बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का हरियाणा दौरा आज, विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। तीन रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। कैथल, लोहारू और महम में होगी रैलियां। कैथल, लोहारू और महम में उनकी रैलियां होंगी। अमित शाह अब मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार करने के लिए उनका हरियाणा दौरा है आज। कैथल, लोहारू और महम में होगी रैलियां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की, और उनका हरियाणा दौरा आज, विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तीन रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। कैथल, लोहारू और महम में उनकी रैलियां होंगी। बड़ी खबर इस वक्त की। कैथल का रुख कर लेते हैं। संवाददाता विपिन शर्मा हमारे से जुड़ गए हैं। विपिन, आज मौजूद रहेंगे वहां पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, क्या कुछ उनका कार्यक्रम? उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। अमित शाह यहाँ पे आएंगे और तीन विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिसमें कैथल, आपका पुंडरी और गुलाची का आता है। इन तीन विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे संबोधित किया जाएगा और में जोश भरने का काम किया जाएगा। उनके कब तक पहुंचने की संभावना है विपिन? जो इनकी नियमावली के अनुसार तो 12 बजे का टाइम बताया गया है कि 12 से 12:30 के बीच में अमित शाह मंच पर होंगे। अब देखना यह है कि वो सही टाइम पे आ पाते हैं या नहीं। विपिन, क्या कुछ तैयारियां उनके कार्यक्रम के मद्देनजर की गई हैं? जी, आपको बता दें कि कैथल के मिनी सेक्रेटरी मिनी सचिवालय के पीछे एक ग्राउंड है, काफी बड़ा ग्राउंड है। वहां पे एक बहुत बड़ा पंडाल, विशाल पंडाल लगाया गया है और सभी के बैठने का इंतजाम किया गया है और एक बहुत बड़ा मंच सुशोभित किया गया है, जिसपे चारों विधानसभाओं के प्रत्याशी उस समय मौके पर मौजूद रहेंगे। विपिन, और कौन कौन से प्रमुख चेहरे वहां पर मौजूद हो सकते हैं? नहीं, अभी तो सिर्फ अमित शाह जी का नाम ही आ रहा है और उसके साथ जेपी नड्डा भी आ सकते हैं, कई और गणमान्य नेता भी आ सकते हैं। हरियाणा के कुछ बड़े चेहरे वहां पर मौजूद रहेंगे क्या? जी बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी यहाँ पे आ सकते हैं, उनका भी बताया जा रहा है कि वो भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो कल भी वो इधर गुलाचिका विधानसभा की तरफ अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए निकले हुए। चलिए विपिन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे कि काफी अहम रैली आज अमित शाह की, और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। कैथल, लोहारू और महम में रैलियां अमित शाह की। तीन रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। कैथल, लोहारू और महम में उनकी रैलियां। तो हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए अमित शाह आज मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, महम, कैथल और लोहारू में उनकी जनसभाएं। तीन रैलियां आज दिन भर में अमित शाह की रहेगी। नौ अक्टूबर को कैथल, बरवाला, लोहारू और महम में चार जनसभाएं हालांकि उनकी होनी थी, लेकिन
अब अमित शाह 3 जनसभाएं ही करेंगे। ये जनसभाएं कैथल, लोहारू और महम में होंगी। बरवाला भी उनको जाना था, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के चलते इसमें बदलाव कर दिया गया है और 3 जनसभाएं तकरीबन 12:30 बजे से कैथल से शुरू होकर महम में चलेंगी। इसके बाद अमित शाह 14 अक्टूबर को दोबारा हरियाणा आएंगे। उस दिन टोहाना में रतिया, टोहाना और नरवाना विधानसभा की संयुक्त रैली होगी, जबकि पंचकुला में कालका और पंचकुला विधानसभा की संयुक्त रैली होगी। इसके बाद करनाल भी जाने का उनका कार्यक्रम 14 अक्टूबर का। तो ये विस्तार से कार्यक्रम अमित शाह का विधानसभा चुनाव के लिए। प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में अब जुट गए हैं तमाम स्टार प्रचारक। आपको बता दें, इस बार बीजेपी प्रदेश में 75 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए 40 स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतारा गया है, जिसमें अमित शाह भी एक प्रमुख चेहरा है और आज जो कैथल, महम और लोहारू में मौजूद रहेंगे अमित शाह। 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। कैथल में तकरीबन 12 से लेकर 12:30 बजे के बीच में उनके पहुंचने की संभावना। महम और लोहारू में उसके बाद का कार्यक्रम रहेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का हरियाणा दौरा आज। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे अमित शाह। 4 जनसभाएं उनकी होनी थी, कैथल, लोहारू, महम और बरवाला में, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके चलते इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि अब कैथल, लोहारू और महम में ही जनसभाएं करेंगे अमित शाह। महम से हमारे संवाददाता जैन मोहम्मद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जैन, क्या जानकारी अमित शाह के वहां पर पहुंचने की? कब से शुरू होगा उनका कार्यक्रम? आज राष्ट्रीय जो अध्यक्ष और गृह मंत्री अपने अमित शाह जी आज महम रैली को संबोधित करेंगे और लगभग 3:30-4 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचेंगे। उनकी जो रैली की तैयारियां वे पूरी कर ली है और यहाँ गढ़ी सापला किलोई कलानौर व महम विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए अमित शाह जी वोट की अपील करेंगे। जैन, कब तक उनके पहुंचने की संभावना है और कौन कौन से चेहरे जो है उनके साथ इस मंच पर शिरकत कर सकते हैं? देखिए, जो 3 उम्मीदवार जो विधानसभा क्षेत्रों से हैं, कलानौर है और महम है और अपना गढ़ी सांपला किलोई है, उनके तीनों उम्मीदवार और अमित शाह जी और मनीष ग्रोवर जो मंत्री हैं, ओम प्रकाश धनखड़ भी यहाँ हो सकते हैं और जो और नेता जो बड़े बड़े नेता हुए भी यहाँ पर इस रैली सभा में अपना भाग ले सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जैन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता जैन मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हुए थे लोहारू से। संवाददाता महासिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महासिंह, क्या जानकारी? कब तक अमित शाह के वहां पर पहुंचने की संभावना? क्या तैयारियां की गई हैं इसके मद्देनजर? लेकिन लोहारू विधानसभा के जो बहल कस्बा है वहां पर भाजपा की रैली होने जा रही है। इसके अंदर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अमित शाह की चुनाव प्रचार के दौरान संबोधित करेंगे रैली को और यहाँ पर करीब 2 बजे तक अमित शाह जी यहाँ बहल पहुंचने का जो समाचार है। महासिंह, इसके अलावा और कौन कौन से चेहरे वहां पर मौजूद हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जो तोशाम विधानसभा है, भिवानी है, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनके वार्ड है वो प्रत्याशी पहुंचेंगे। इसके अलावा जो कई किसी जो नेता है, मंत्री है, उनके आने की उम्मीद है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया महासिंह आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता महासिंह जुड़े हुए थे और तकरीबन 2 बजे तक लोहारू पहुंचने की संभावना अमित शाह के। इसके अलावा आपको बता दें कि आज जो 3 जगहों पर रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे अमित शाह, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। कैथल, लोहारू और महम में रैलियां आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे अमित शाह।